सुब्रांश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज आपने अरविंद केजरीवाल की असलियत बतानी चाहिए और कहा कि ये झूठ बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, मैं इनको क्या कहूँ? हुजूर, बहुत देर कर दी आते आते, इनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी ना आपने, हुजूर ने इनके साथ ही सरकार बनाई थी ना आपने दिल्ली में, दौड़ के भाग के आप गए थे सरकार बनाने इनके साथ, तब नहीं पता था, नंबर एक। और नंबर दो, और अभी दूसरा सवाल मेरा, कल ही हमने दिल्ली का गुजरात का सर्वे दिखाया और गुजरात के सर्वे में आपने जो मैदान छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी पार्टी में लड़ने का दम तो है नहीं, हौसला तो है नहीं, आपने जो मैदान छोड़ा हुआ है वहीं अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तो ये आपके अपने ही बैकयार्ड में आग लगी हुई, आपको पता ही नहीं चला? ठीक है, अब चूंकि आपको जवाब दूंगा तो फिर मुझे आप काउंटर करने लगेंगी, तो वैसे भी ऑनलाइन थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दो तीन बातों पर ध्यान से रखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि 7-8 पुलिस वालों की मौजूदगी में अगर किसी को 4 बार गोली मारी गई है और इसके बाद भी पुलिस वालों ने रिएक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था बहुत बुरे हाल में है पंजाब की। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सही सेठी साहब आप जिक्र कर रहे थे कि 750 किसानों की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन में अभी तक कॉम्पनसेशन नहीं किया, लेकिन एक वादा अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब के चुनाव में पंजाब के टेम्पररी शिक्षकों के साथ किया था। और कल, चूंकि उन शिक्षकों को शायद ये बात पता होगा कि पंजाब में अगर हम धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे तो हमको गोली मार दिया जाएगा, जब उन्होंने हिमाचल में काले जो कपड़े और झंडे उनको दिखाए तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने पता क्या कहा, ये किराए के लोग हैं जी, ये 500 रुपए वाले लोग हैं। तो आरएसएस के दोनों बच्चे, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी, सिमिलरिटी दोनों में बहुत है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल साजिया जी भी सही कह रही है, 150 से ज्यादा निर्दोष गुजरात मॉडल के भ्रष्टाचार के नाम पे गुजरात में मर गए। जिस घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया, अभी तक उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं है, क्योंकि उसने मोटा माल दे रखा है, वो नरेंद्र मोदी जी का दोस्त है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात नंदा कुमार जी, आपके लिए, आपको जब अपना सर्वे ऑफिस के स्टूडियो में ही बैठ के करना है तो उसकी ऑथेंटिसिटी है कहां? जमीन पे जाइए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखिए, लोगों ने बताया है कि गुजरात में किसकी सरकार बन रही है और हिमाचल में किसकी बन रही है, उन सर्वे को भी थोड़ा ध्यान कर लीजिए। मुझे तो लगता है भारत से लेकर अमेरिका तक कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मैं तो राजनीति में हूँ नहीं ना, मुझ पर निशाना चलाने लगाने से आपका कुछ बदलेगा नहीं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मेरी पूरी सर्वे की टीम जमीन पर है, एक एजेंसी है जिसने सर्वे किया और डोर टू डोर सवाल पूछे, 25,500 का उनका सैंपल साइज है। अगर कल जुड़ते आप मेरे साथ तो आपको भी अच्छा लगता, थोड़े डिटेल्स पता चलते, पर कोई बात नहीं, आप मुझ पर फायरिंग करते रहिए, मुझे कोई डर नहीं लगता और मेरे पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है, आप मुझ पर फायरिंग कर लीजिए जितनी करनी है, लेकिन सवाल आप ये तो बता दीजिए जवाब कि आज आपको हिंदू खतरे में है, आज समझ में आया कि हिंदू खतरे में है। बिल्कुल सही कह रही है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए नंदा कुमार जी कि मोरबी के अंदर जो गुजरात मॉडल का भ्रष्टाचार दिखा है, क्या आप उस हॉस्पिटल में गई थी कवरेज करने के लिए? क्या आपने उन मृतकों का दर्द दिखाया हिंदुस्तान को? क्या आपने सवाल किया नरेंद्र मोदी? मेरी टीम से 4 रिपोर्टर वहां मौजूद है सुब्रांश राय जी, मुझे लगता है आपको टाइम्स नाउ नवभारत से इतनी मोहब्बत है कि मैं रोज आपको क्लिपिंग रिपोर्ट कर दिया करूंगी, आपको देखने में दिक्कत हो मैं रोज लिंक भेज दिया करूंगी, आप जरूर देख लिया करिए, सवाल भी पूछे और पूरी कवरेज भी दिखाई। पर बहरहाल ये शो जो है सुब्रांश राय जी, मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर तो आप जो मर्जी इल्जाम लगा लीजिए, कोई बात नहीं, कांग्रेस की पुरानी आदत है।